हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो फ्यूचर जोन क्लास का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप सबों के साथ AK सिंह। तो आज थर्मोडायनेमिक्स के तीसरे लेक्चर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक है जिसका आप लोग डे पर डे लाइफ में बहुत सारा कुछ एग्जाम्पल देखते हो, महसूस करते हो, लेकिन ये किस कॉज से हो रहा है शायद अभी तक फीलिंग्स ना हो। तो वीडियो को पूरा देखे, मज़े में मजा आने वाला है। टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल मतलब टेम्परेचर, हीट, और एक्सपेंशन मतलब फैलाव। यहाँ टर्म डाला गया है एक्सपेंशन, बट जरूरी नहीं है कि हर जगह एक्सपेंशन ही होगा। इट में भी कभी सिकुड़ेगा, कभी फैलेगा। आप केयर करे होगे, सबका विथ प्रूफ दिखाएंगे कि जब भी कोई प्लास्टिक व्लास्टिक अगर गर्म करते हो तो सिकुड़ जाता है, लेकिन अगर किसी मेटल रॉड को, मेटल प्लेट को अगर गर्म करते हो तो फैलता है। बचपन में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़े होंगे कि किस कारण से, क्या कारण है कि दो रेल पटरियों के बीच कुछ स्पेस छोड़ दिया जाता है। जब भी रोड पे कंक्रीट से ढलाई करते हो तो कंक्रीट के ढलाई के समय बीच में थर्मोकोल लगा दिया जाता है। वो सीमेंट और गिट्टी बालू छड़ बचाने के लिए नहीं, उसके पीछे कुछ फंडा है। क्या फंडा है वही पूरा समझने वाले हैं, तो मज़े में पढ़ेंगे, ठीक है। पहली बात कि थर्मल एक्सपेंशन क्या है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उस टेम्परेचर चेंज के कारण उसके डायमेंशन भी चेंज करेंगे। जब भी टेम्परेचर चेंज किसी भी ऑब्जेक्ट का होगा तो उसका इफेक्ट उसके डायमेंशन पर भी पड़ेगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के सेंस में। यही फेनोमेना कहला रहा है थर्मल एक्सपेंशन। व्हेन टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes, then its dimension also change. This phenomena is called thermal एक्सपेंशन। क्लियर है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में चेंजिंग, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन उसके डायमेंशन मतलब लंबाई, अगर केवल लेंथ है तो लंबाई, एरिया है तो लंबाई चौड़ाई तीनों, और अगर दोनों, और अगर वॉल्यूम है तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चेंज करेगा। तो इसी फेनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन तीन टाइप के होते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, सरफेस थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। पहला लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, दूसरा सरफेस थर्मल एक्सपेंशन, तीसरा वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, सरफेस थर्मल एक्सपेंशन, या इसी का एक और नाम है एरियल थर्मल एक्सपेंशन, और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन तीसरा। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसमें केवल लेंथ हो, जैसे एक पतला सा रॉड, उसमें एक्सपेंशन होगा, क्या बोलेंगे, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। सरफेस थर्मल एक्सपेंशन जिसमें केवल एरिया हो, जैसे कोई एक प्लेन सीट, पेपर सीट, स्टील सीट, रबर सीट, कुछ भी एक सीट हो जिसमें केवल एरिया हो, वहाँ से मिलेगा अपने को सरफेस थर्मल एक्सपेंशन। और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें वॉल्यूम हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3D फिगर, उसमें जो एक्सपेंशन होगा उसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। तो ब्रीफली तो आपने ये देखा, अब डिटेल्स में देखते हैं। डालो पहला लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है। व्हेन अ लीनियर ऑब्जेक्ट लीनियर
व्हेन अ लीनियर ऑब्जेक्ट सफर्स विथ चेंज इन टेम्परेचर then its length changes. This is called linear thermal expansion. जब भी किसी ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर चेंज वाली फेनोमेना आता है, जब भी उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका लेंथ चेंज करेगा, या घटाओगे चेंज करेगा। कभी भी टेम्परेचर चेंज का उसके लेंथ पर फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा वो डिपेंड करता है कि मेटल का या नॉन मेटल का या उस सबस्टांस का नेचर कैसा है। बट डायमेंशन उसके चेंज करेंगे डेफिनेटली। कैसे करेंगे कुछ देखेंगे, अपने पास शायद अभी स्पेस नहीं है, लेकिन जो है उसमें करेंगे। according to linear expansion, ये कहता है, या डायरेक्टली लिखो, it states that the ratio of change in length to the original length is directly proportional to it states that the ratio of change in length to the original length, मतलब delta L by L, directly proportional to change in temperature. उसके टेम्परेचर के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कौन चीज? रेशियो। किसका? डेल्टा एल बाई एल का, मतलब चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब डेल्टा टी। नोट्स करेंगे, अपने पास अभी स्पेस नहीं है, जल्दी वीडियो पॉज करिए, नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ मैथमेटिक्स करें। ये स्टेटमेंट आपके पास है, जैसे मान लो मेरे पास एक रॉड है जिसका इनिशियल लंबाई L1 है, टेम्परेचर θ1 पर, इसका बाद में लेंथ हो जा रहा है L2 जब टेम्परेचर θ2 कर देते हैं। अब ये L2 घटा कि बढ़ा पता नहीं है, बस L1 से L2 हो गया। कब? जब टेम्परेचर θ1 से बढ़कर θ2 हो गया। लेट इनिशियल लेंथ L1 एट टेम्परेचर θ1 एंड फाइनल लेंथ L2 एट टेम्परेचर θ2। देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अपने को क्या मिलेगा? चेंज इन लेंथ, मतलब L2 माइनस L1 बाई ओरिजिनल लेंथ का रेशियो डेल्टा L बाई L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर θ2 माइनस θ1। चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ डेल्टा L बाई L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, बस इतना सा। आगे बढ़ेंगे, L2 माइनस L1 बाई L1 यहाँ इक्वेट करेंगे तो कोई ना कोई अपने पास एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आना चाहिए। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट फिलहाल यहाँ अल्फा ही आता है, अल्फा। यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, यहाँ अल्फा है। θ2 माइनस θ1। आप इस L1 को उधर ले जाओ,
एल टू माइनस एल वन इज इक्वल टू एल वन अल्फा, और थीटा टू माइनस थीटा वन को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर। इस एल वन को आप उस साइड ले जाए, एल टू इज इक्वल टू एल वन प्लस एल वन अल्फा डेल्टा थीटा। एल टू इज इक्वल टू एल वन इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, या फिर एल टू इज इक्वल टू एल वन इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, मतलब व्हाट, थीटा टू माइनस थीटा वन। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। आप इस रिजल्ट को किसी भी फॉर्मेट में याद कर सकते हो, जहाँ पर L2 क्या है फाइनल लेंथ, L1 क्या है इनिशियल लेंथ, अल्फा क्या है, यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट आपने अल्फा डाला इसका स्पेशल नाम है हेयर, अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, हेयर अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसका यूनिट क्या होगा, इट्स यूनिट इज पर डिग्री सी, वन बाय डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सी, एक बटा डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सी, क्लियर। अब यहाँ से आप चीज देखो, L2 टू इज इक्वल टू एल वन प्लस एल वन अल्फा डेल्टा थीटा, या L2 टू इज इक्वल टू एल वन इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, इन सब चीज़ ये अपने पास मोस्ट जनरल रिजल्ट रहा। अब इसमें एक स्पेशल रिजल्ट करते हैं, इफ इफ इनिशियल टेम्परेचर इज जीरो डिग्री, या फिर ऐसे कर दे, इफ इनिशियल लेंथ इज एल नॉट, इनिशियल लेंथ कितना बता रहे हैं एल नॉट एट टेम्परेचर जीरो डिग्री, एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, एंड फाइनल लेंथ इज एल एट थीटा डिग्री। मतलब इनिशियल जो थीटा वन था अपने पास वो जीरो डिग्री दिखा दिए, एल वन जो था वो एल नॉट हो गया, जीरो डिग्री टेम्परेचर का लेंथ एल नॉट एंड थीटा डिग्री पर टेम्परेचर एल। इसलिए जो अपने पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहा, इसलिए फर्स्ट बिकम्स, फर्स्ट क्या बन जाएंगे एल टू के जगह पर क्या बन जाएगा एल, एल वन के जगह पर क्या बन जाएंगे एल नॉट इंटू वन प्लस अल्फा, और डेल्टा थीटा के जगह पर क्या लिखा जाएगा थीटा माइनस जीरो, थीटा टू बन गया है थीटा और थीटा वन है जीरो, मीन्स एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू वन प्लस अल्फा थीटा। ये एक स्पेशल रिजल्ट है, कब, जहाँ पर एल कहाँ का टेम्परेचर है थीटा डिग्री का, और एल नॉट कहाँ का टेम्परेचर है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड का, क्लियर। इतना नोट करेंगे पहले और कुछ डिस्कस कर रहे हैं। हो गए, एक चीज देखेंगे अब आगे। केस वन, अब यहां वन बाय वन आप केस करेंगे। केस वन, इफ अल्फा इज पॉजिटिव, टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा जो डिस्कस करे हो वो अगर पॉजिटिव है, अगर अल्फा वैल्यू पॉजिटिव है तब क्या होने वाला है, इफ अल्फा इज पॉजिटिव इट इज जनरली फॉर मेटल, इट इज जनरली फॉर मेटल। यहां से एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि मेटल के जितने भी तुम्हारे पास मेटल है उन सारे मेटल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, इफ अल्फा इज पॉजिटिव। अब रिजल्ट देखेंगे, मेरे पास L2 इज इक्वल टू L1 इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, इफ अल्फा इज पॉजिटिव, हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं अल्फा पॉजिटिव है। नाउ बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, नाउ इफ
टेम्परेचर इज इंक्रीजेज, टेम्परेचर इज इंक्रीजेज, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब क्या है? डेल्टा थीटा इज पॉजिटिव। ध्यान देंगे, समझने वाली चीज़ है बहुत बारीकी से। हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट डिस्कस कर रहा है जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, जो कि जनरली मेटल के लिए होता है। अब इसमें अपने पास रिजल्ट ये रखा हुआ है, L2 टू इज इक्वल टू एल वन इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, जिसमें हम बोल रहे हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दे, इफ़ टेम्परेचर इज इंक्रीजेज, मतलब डेल्टा थीटा पॉजिटिव होगा। लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा, बाद का टेम्परेचर ज़्यादा है, पहले का टेम्परेचर कम है, थीटा टू माइनस थीटा वन पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ एक ही ध्यान देना, डेल्टा थीटा पॉजिटिव है, डेल्टा थीटा पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव डील कर रहे हो, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये पूरा नंबर कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। वन प्लस पॉजिटिव नंबर, ये पूरा टर्म क्या हो गया? एक से ज़्यादा हो गया। एल वन में एक से ज़्यादा नंबर से गुना करने के बाद एल टू मिल रहा है, मतलब कि अगर हम मेटल के लिए डिस्कस करूँ तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ लेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्लियर? चूंकि डेल्टा थीटा बढ़ा रहे हो, अल्फा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, वन प्लस पॉजिटिव नंबर, ये फ्रैक्शन हो जाएंगे एक से ज़्यादा, इंटू एल वन इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू फाइनल लेंथ, मतलब फाइनल लेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेज, दैट इज डेल्टा थीटा पॉजिटिव, देन इट्स लेंथ क्या? इंक्रीजेज। इसी कारण कहा जाता है कि जितने भी मेटल्स हैं, मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका लेंथ बढ़ता है, और टेम्परेचर घटाने पर उसका लेंथ घटेगा। दैट इज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ मेटल, इट्स लेंथ इंक्रीजेज, उसका लेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब जानते हो, वाइस वर्सा का मतलब बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इट्स लेंथ ऑल्सो डिक्रीजेज। और यही कारण कि जो भी रेल पटरी बनाते हो वो क्या होता है? लोहा का होता है, मेटल्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा गैपिंग होता है, अदरवाइज जब गर्मी के दिनों में एक्सपेंशन करेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सपेंशन करेगा, पहले से आप ज्वाइंट करके रखोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, वो ऐसे हो जाएगा, जिसको बोलते हो उनड़ जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा, तो पटरी ख़राब हो जाएंगे। इसी कारण दो ज्वाइंट के बीच थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया जाता है कि जब गर्मी के दिनों में ये एक्सपेंशन करेगा तो सट जाएगा, ऐसे नहीं होने देगा, पटरी ख़राब ना होगा। जहाँ कंक्रीट के रोड ढालते हो, कंक्रीट के रोड में कुछ कुछ दूर पर थर्मोकोल लगा देते हो, वो भी टेम्परेचर बढ़ता है गर्मी के दिनों में, जून के महीने में, वो भी थोड़ा बहुत एक्सपेंशन करेगा। अगर ऑलरेडी सटा के रखे हुए हो तो वापस से रोड भी तुम्हारा ऐसे हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो जहाँ भी कहीं ऐसा फेनोमेना समझ में आए, मतलब समझ लेना कि इस मेटल का अल्फा पॉजिटिव वाला अल्फा है। क्लियर? अगला पॉइंट, केस टू, इफ अल्फा इज निगेटिव, ये जनरली फॉर नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के जो थर्मल कोएफिशिएंट होते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वो निगेटिव होता है। अब इसमें देखो, फिर से अपने पास L2 टू इज इक्वस टू एल वन इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाएं, डेल्टा थीटा पॉजिटिव रहा और अल्फा निगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, वन माइनस निगेटिव, ये पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? एक से कम। एल वन में एक से कम वाले नंबर से गुना करोगे तब एल टू मिल रहा है, मतलब बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इट्स लेंथ डिक्रीजेज। और जब लेंथ घटाओगे, अगर टेम्परेचर घटाओगे तो डेल्टा थीटा निगेटिव होगा, अल्फा निगेटिव है, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, वन प्लस पॉजिटिव, फ्रैक्शन एक से बड़ा हो जाएगा, उस केस में एल टू का वैल्यू बढ़ जाएगा। मतलब अगर नॉन मेटल में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ घटेगा, और अगर टेम्परेचर घटाओगे तो लेंथ बढ़ेगा। तो सारा डिस्कशन यहीं से होता है, डेट इज फॉर नॉन मेटल इफ इट्स टेम्परेचर, इफ इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज,
देन लेंथ डिक्रीजेज। कहाँ से हो रहा है फिर से समझेंगे, डेल्टा थीटा बढ़ा रहे हो, ये नंबर पॉजिटिव है, अल्फा नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव वन प्लस नेगेटिव नंबर फ्रैक्शन एक से कम इंटू एल वन बराबर एल टू, मतलब एल वन में एक से कम नंबर से गुना कर रहे हो तब जाके एल टू मिल रहा, मतलब लेंथ क्या हुआ घट गए। दैट इज फॉर नॉन मेटल, इफ इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज देन लेंथ डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। तो यही पूरा फेनोमेना है कि क्या कारण है कि प्लास्टिक को जब गर्म करते हैं तो सिकुड़ता है, होता है ना, कभी भी प्लास्टिक गर्म करने पर लमड़ता है, कभी नहीं, और मीटर्स गर्म होने पर एक्सपेंड करते हैं, फैलते हैं। तो इन सबों के पीछे किसका हाथ है, केवल और केवल अल्फा। जिसका अल्फा पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ने के साथ लेंथ बढ़ेगा, जिसका अल्फा निगेटिव, टेम्परेचर बढ़ने के साथ लेंथ घटेगा। ओके, तो ये रहा पूरा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एक फॉर्मूला दिस। अभी इस पर हमने न्यूमेरिकल नहीं कर रखा है एक भी, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है, और अभी अपने को ये एरियल थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन भी पढ़ाने हैं, जल्दी फटाफट नोट करेंगे। आ जाइए दूसरा, सरफेस थर्मल एक्सपेंशन, सरफेस थर्मल एक्सपेंशन। ये पूरा पूरी न्यूमेरिकल टर्म्स है, डिफिनेशन का कोई मतलब नहीं है। जैसे लीनियर, हमने मान लो कि एक अब ऐसा ऑब्जेक्ट डील करा जिसका इनिशियल एरिया A1 है टेम्परेचर थीटा 1 पर, इसका एरिया चेंज हो करके A2 हो गया जब टेम्परेचर थीटा 2 किए हैं तब, देन डायरेक्टली हम रियल लिख रहे हैं सिमिलर जैसे लेंथ पर लिखे हैं, लेंथ पर क्या लिखे हैं L2 बराबर, देन डायरेक्टली आपका बन जाएगा A2 इज इक्वल टू A1 इंटू 1 प्लस अल्फा के जगह पर यहाँ आ जाएगा बीटा और डेल्टा थीटा, जहाँ A2 क्या है फाइनल एरिया, फाइनल एरिया, A1 है इनिशियल एरिया, और बीटा है कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस थर्मल एक्सपेंशन। अल्फा क्या था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, बीटा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस थर्मल एक्सपेंशन, सरफेस थर्मल एक्सपेंशन। ओके, इसका भी यूनिट वही रहेगा जो कि अल्फा का था पर डिग्री सी, यूनिट हो जाएंगे पर डिग्री सी, और डेल्टा थीटा क्या है चेंज इन टेम्परेचर, A2 इज इक्वल टू A1 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, सिमिलर वैसे ही आप आ जाओ तीसरा, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। क्लियर, तो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन मतलब एक ऐसा सबस्टांस जिसका इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना है V1 है थीटा 1 टेम्परेचर पर, बाद में बढ़कर इसका वॉल्यूम V2 हो गया कितना टेम्परेचर पर थीटा 2 टेम्परेचर पे, तो बाद का वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, जहां पर V2 क्या है फाइनल टेम्परेचर, सॉरी फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, V1 क्या है इनिशियल वॉल्यूम, और गामा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। क्लियर, तो आशा करते हैं कि सारे चीज़ों को ढंग से, चूंकि लीनियर सरफेस और वॉल्यूम सिमिलर चीज़ था इसमें, इसी कारण हम इसमें डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, सेम काम वही करेंगे, चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया का लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, और इसी को सॉल्व कर दोगे जहां लेंथ था वहां एरिया आ जाएगा, यहां चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, और यहां पर एक नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा गामा जिसको बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस थर्मल एक्सपेंशन, और वो था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन।
अब नेक्स्ट क्लास में इन सबों पे गिना चुना न्यूमेरिकल्स करेंगे और इस अल्फा बीटा और गामा में कुछ रिलेशन होल्ड होता है उस रिलेशन को प्रूफ करेंगे। ओके, तब आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और व्यस्त रहिए। मन लगा के पढ़िए, अच्छा करेंगे। ओके, बाय।